सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनते ही मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल और कॉलेज में आने लगी हैं। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो पूरा सच सामने आ गया। कर्नाटक में अब कांग्रेस की सत्ता है। कांग्रेस का राज आते ही सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वीडियो के जरिए कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर एक और वीडियो इस दावे के साथ वायरल हो रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनते ही मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल और कॉलेज में जाने लगी हैं। वीडियो में हिजाब और बुर्का पहनी कई लड़कियों को भीड़ के बीच एक गेट से अंदर आते देखा जा सकता है। भीड़ में एक महिला पुलिसकर्मी भी नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि कांग्रेस आई हिजाब ले आई। कर्नाटक के कॉलेजेस में हिजाब अलाउड हो गया, लेकिन बाकी वादों का क्या? वायरल वीडियो का सच क्या है, ये जानने के लिए गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने अपनी पड़ताल शुरू की। वीडियो का सच जानने के लिए हमने वीडियो के की फ्रेम्स को गूगल इमेज पर रिवर्स सर्च किया, साथ ही यूट्यूब पर भी कुछ कीवर्ड्स की मदद से वायरल हो रहे इस वीडियो को खोजा। पड़ताल के दौरान एक यूट्यूब अकाउंट मिला। वायरल हो रहा वीडियो इस यूट्यूब अकाउंट पर 12 फरवरी 2022 को अपलोड किया गया था। इस तरह यह स्पष्ट हो चुका था कि वायरल वीडियो अभी का नहीं बल्कि साल 2022 का था। यही वो समय था जब कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद अपने चरम पर था। ऐसे में ये साफ हो जाता है कि वीडियो के साथ किया जा रहा ये दावा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार आते ही मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल और कॉलेज में आने लगी हैं, पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।